तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं प्ले स्टोर की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। तो जैसे ही आप आते हैं प्ले स्टोर पे और कोई भी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन सर्च करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से जो है एरर आ जाता है। इस एरर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं यही बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो सिंपली आपको करना क्या है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, सिंपली आपको सेटिंग में आना है। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाता हूँ और यहाँ पे ये देख लीजिए, ऐप मैनेजर में आपको जाना है। तो ऐप मैनेजर में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। ऐप लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर ढूंढ लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए प्ले स्टोर दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए डेटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए दो ऑप्शन है, डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई। तो ये दोनों ऑप्शन जो है मेरे में ऑन है। तो आपको अपने ऐप मैनेजर में जाके ये ऑप्शन जो है देख लेना है। अगर ये ऑप्शन जो है ऑन होगा तो इसको आपको डिसेबल करना है, सबसे पहले इसको डिसेबल कर देना है और सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद मैं जो है दोबारा प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देख लीजिए ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है आपके फ़ोन में तो सिंपली आपको करना क्या है, अपना नेट कनेक्शन चेक करना है। अगर नेट कनेक्शन भी आपका ख़राब होगा जिसके कारण इस तरह से एरर आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको नेट कनेक्शन चेक करना है। सबसे पहले अपने फ़ोन में दूसरे एप्लीकेशन को चला के देख लेना है, जैसे कि YouTube, Facebook, Instagram, इनको चला के देख लेना है। अगर ये सही से चल रहा है तभी आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और उस तरह का जो एरर आता है तब आपको यही ऑप्शन डिसेबल करना है ऐप मैनेजर में जाके, फिर आपका जो ये प्ले स्टोर वाला प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।